प्रिय छात्रों, हम अध्याय 10 में कक्षा 12वीं के बही खाता लेखा क्रम के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है वित्तीय विवरण के विश्लेषण की जो विभिन्न तकनीक हैं उसके बारे में हमने पिछले अध्याय में चर्चा की। तो यहाँ पर जो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण है, ये वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की क्या है, महत्वपूर्ण तकनीक है, जिसके अंतर्गत हम दो या दो से अधिक अवधियों के समंकों को तुलनात्मक आधार पर वित्तीय विश्लेषण के उद्देश्य से हम विभिन्न मदों का अध्ययन यहाँ पर करते हैं। तो एक संस्था के वित्तीय विवरण जो हैं उनके दो वर्षों के समंकों के आधार पर हम उनका यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और यहाँ पर उनका संबंध जो है अन्य मदों से स्थापित किया जाता है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण हेतु विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया जाता है ताकि उसके द्वारा जो है व्यवसाय की लाभदायकता, क्षमता, वित्तीय सुदृढ़ता आदि का अध्ययन किया जा सके और उनका तुलनात्मक अध्ययन कर हम जो है भविष्य की योजनाएं बनाए जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो तुलनात्मक अध्ययन है ये मुख्य रूप से दो विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। तो तुलनात्मक अध्ययन की जो दो विधि हैं, नंबर एक तो है तुलनात्मक आय का विवरण या लाभ हानि का विवरण का विश्लेषण और दूसरा जो है वो तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठे का विश्लेषण। तो यहाँ पर जो है हम तुलनात्मक अध्ययन के रूप में जो है हम दो प्रकार से यहाँ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। नंबर एक जो है तुलनात्मक आय का विवरण और दूसरा जो है लाभ हानि का वितरण और जो दूसरा प्रकार है वो है तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठे का विश्लेषण। तो यहाँ हम देखते हैं तुलनात्मक आय का विश्लेषण नंबर एक। इस विवरण के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से बेचे गए माल की लागत, इसमें जो है बेचे गए माल की लागत, संचालन से प्राप्त आय और उपभोग की गई सामग्री की लागत के साथ विभिन्न जो है व्यय हैं, अन्य खर्चे हैं और आय के साथ जो है और टैक्स पूर्व एवं पश्चात के लाभों को दर्शाया जाता है। तो तुलनात्मक आय के विवरण में जो है मुख्य रूप से बेचे गए माल की लागत को सम्मिलित करते हैं, संचालन से जो प्राप्त आय है उसको सम्मिलित करते हैं, उपभोग की गई सामग्री की जो लागत है उसको सम्मिलित करते हैं, साथ ही विभिन्न व्ययों को और आयों को और इसके अलावा जो टैक्स वगैरह चुकाए गए हैं उन सबको हम इसमें सम्मिलित करते हैं। इसका जो सूत्र है वो है परिवर्तित प्रतिशत बराबर वास्तविक परिवर्तन बटे गत वर्ष के आंकड़े इंटू 100। इसमें जो है हम यहाँ पर ये देखते हैं कि परिवर्तन का प्रतिशत क्या रहा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि विगत दो वर्षों के जो आंकड़ों के आधार पर जो वास्तविक परिवर्तन है उसको हम ज्ञात करते हैं और गत वर्ष के जो समंक है उसको बटे में लेकर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पर परिवर्तित प्रतिशत प्राप्त होता है। तुलनात्मक आय के विवरण में इन मदों की तुलना जो है गत वर्ष के समंकों से की जाती है और इसमें होने वाले वास्तविक परिवर्तन की गणना की जाती है। इसके अलावा इस विवरण में परिवर्तनों को जो है प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर जो भी परिवर्तन हुए हैं उसको प्रतिशत के रूप में ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से हम परिवर्तित प्रतिशत बराबर वास्तविक परिवर्तन बटे गत वर्ष के आंकड़े इंटू 100 के आधार पर जो है हम तुलनात्मक आय विवरण के अंतर्गत जो है इन मदों की तुलना जो है गत वर्ष के समंकों से करके वास्तविक परिवर्तन प्रतिशत की गणना यहाँ पर हम करते हैं। तो इससे जुड़े हुए हम कुछ उद्देश्य या महत्व देखेंगे। तुलनात्मक आय विवरण विश्लेषण के उद्देश्य या महत्व कौन कौन से हैं। नंबर एक, इसके माध्यम से जो है आंकड़े सरल एवं समझने योग्य बन जाते हैं। दूसरा, ये विवरण जो है विभिन्न वर्षों या अवधियों के उत्पादन, विक्रय, आय तथा व्ययों के परिवर्तन की प्रकृति को दिखाते हैं। ये विवरण जो है गत वर्ष में उत्पादन से संबंधित आंकड़े, विक्रय से संबंधित आंकड़े, आय और व्यय से संबंधित आंकड़े किस प्रकार के थे, इनमें परिवर्तन
विभिन्न वर्षों में किस प्रकार का रहा ये देखने में हमें समझ में आता है। फिर ये विवरण जो है पूर्वानुमान लगाने, भविष्य के लिए जो बजट बनाने के लिए, भविष्य के लिए पूर्वानुमान बना लग के लिए जो है ये विश्लेषण हमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर ये वर्तमान की उपलब्धियों की व्याख्या करने के साथ साथ भविष्य की ओर भी संकेत करता है और इसके द्वारा जो है उत्पादन, विक्रय, व्ययों, लाभों आदि के साथ साथ व्यवसाय की लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति के विषय में निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अंतिम है जो ये विवरण जो है व्यवसायिक इकाइयों की कमियों एवं उनके कमजोर पहलुओं पर प्रकाश डालता है जिन्हें हम समझकर आसानी से इसको दूर कर सकते हैं। तो ये जो है तुलनात्मक आय विवरण विश्लेषण जो है इसका उद्देश्य क्या है, इसको बनाने का इसका महत्व क्या है, इन बिंदुओं के आधार पर हमने देखा। अब हम एक प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, निम्न सूचनाओं से जो है तुलनात्मक आय विवरण बनाइए। ये जो है गत वर्ष के आंकड़े हैं 2017 के, गत वर्ष के समंक और ये चालू वर्ष के, वर्तमान वर्ष के समंक है ये। तो ये 2017 के और ये 2018 के। यहां दिया संचालन से आय, रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, 2017 में जो है वो 2 लाख रुपए था, 18 में 2,50,000 रुपए। फिर उपभोग किए गए माल की जो लागत है, कास्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये जो थी 17 में 1 लाख थी और 18 में 1,25,000। और वित्तीय लागत जो है फाइनेंशियल कास्ट, ये 10,000 17 में और 18 में भी 10,000, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ हम हल देखते हैं इसका, कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ जो है रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन हमने लिया सबसे पहले, 17 में 2 लाख रुपए ये, 18 का 2,50,000 रुपए। अब यहाँ जो एब्सोल्यूट चेंज है, वास्तविक परिवर्तन, ये वास्तविक परिवर्तन जो है एब्सोल्यूट चेंज, तो 2 लाख माइनस 2,50,000, मतलब ये 50,000 जो है ये क्या है, परिवर्तन हुआ है दोनों का। अब यहाँ पर हम जो है परसेंटेज कैसे ज्ञात करेंगे, तो सूत्र जो आपको बताया था कि परिवर्तन प्रतिशत का परिवर्तन बराबर जो है यहाँ पे वास्तविक परिवर्तन बटे गत वर्ष के आंकड़े इनटू 100 ये। तो यहां पर जो है वास्तविक परिवर्तन जो 50,000 है बटे गत वर्ष के आंकड़े जो है 2 लाख, इंटू 100 तो बराबर ये आ गया यहां पर 25। तो ये 25 क्या आया, 25%। तो यहां पर हमने ये देखा कि रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन में जो है परसेंटेज चेंज जो है प्रतिशत का परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन ये है 25%। इसके लिए क्या किया हमने, जो एब्सोल्यूट चेंज है 50,000 बटे गत वर्ष के आंकड़े जो हैं 2 लाख रुपए, उस बटे में इनटू 100, तो ये आया 25%। इसी प्रकार से यहाँ इसमें से माइनस करेंगे हम जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और फाइनेंशियल कॉस्ट, तो ये 1 लाख रुपए और 1,25,000 रुपये, और ये 10,000 और ये 10,000। अब इन दोनों में पहले हम परिवर्तन देख लें, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में जो है 25,000 का डिफरेंस है और फाइनेंशियल कॉस्ट में निल है, ये निल। तो इस हिसाब से यहां पर भी हमने उसी सूत्र से निकाला, तो ये आया 25%, 25,000 बटे 1 लाख इंटू 100, तो ये आया कितना, 25%। फाइनेंशियल कॉस्ट का ये निल आया। अब यहां पर जो है 1 लाख और 10,000 ये माइनस, ये हमने दोनों को मिला के माइनस किया, इससे
दो लाख से, तो ये कितना रहा 90,000। यहाँ हमने 1,25,000 और 1,10,000 हुआ, 1,35,000, इसमें से 2,50,000 में से माइनस किया तो ये आए 1,15,000। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले यहाँ पर जो है अंतर जो है वो है कितना 25,000 का। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज जो है यहाँ पर वही हम प्रक्रिया अपनाएंगे, 25,000 इंटू बटे जो है गत वर्ष के आंकड़े, यहाँ पर कितना हुआ 90,000 इंटू 100 बराबर ये आ गया 27.78%। तो ये इस तरह से जो है हम आय का जो है विवरण तैयार करते हैं, इसमें हम परसेंटेज का चेंज किस प्रकार से हो रहा है इसको हम ज्ञात करते हैं। एक और आप उदाहरण है, निम्न सूचना से तुलनात्मक आय विवरण बनाइए। संचालन से आय रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन 1,20,000, 1,50,000, उपभोग किए गए माल की लागत 70,000 और ये 75,000, अन्य व्यय जो है वो 20,000 और यहाँ पर है ये 25,000, टैक्स जो है वो 6,000 और ये 10,000। यहाँ इसको हमने हल किया तो रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन जो है 1,20,000, 18 का 1,50,000, तो एब्सोल्यूट चेंज जो है परिवर्तन जो है वो कितना आया 30,000। फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल का जो है 70-75 ये आया अंतर 5,000, अदर एक्सपेंसेस 20,000 ये 25,000, इसका भी चेंज आया 5,000। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ये कितना आया 30,000, यहाँ हमने 70 और 20 इसमें से 1,20 में से माइनस किया तो ये 30,000 आया, यहाँ 75 और 25 80, यहाँ पर इससे माइनस किया हमने तो ये आया कितना 50,000, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 20,000 का अंतर। और इसी तरह से टैक्स में हमने निकाला तो ये 6,000 गत वर्ष के हैं और 18 के जो हैं 10,000, इन दोनों का डिफरेंस जो है 4,000 आया। अब यहाँ पर हम उसी सूत्र के अनुसार जो है यहाँ पर हम गणना कर लेंगे, तो यहाँ जो है इस सवाल के अंतर्गत एब्सोल्यूट चेंज जो है 30,000 इन बटे गत वर्ष के आंकड़े 1,20,000 इंटू 100 बराबर ये आ गया कितना 25%। तो इसी तरह से हम सभी का निकालेंगे, इसी तरह से हम सभी के यहाँ पर जो है परसेंटेज का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। यहाँ पर जो है हमने माइनस करके इसमें से ये 24,000 आए यहाँ, यहाँ पर 40,000 और जो एब्सोल्यूट चेंज है दोनों के बीच में वो आया 16,000। तो यहाँ जो हमने अंतर यहाँ पर निकाला 16,000 बटे ये आएगा गत वर्ष के आंकड़े 24,000 इंटू 100 बराबर ये आया 67%। इस प्रकार से यहाँ पर जो है हम विभिन्न सूचनाओं के आधार पर जो है तुलनात्मक आय का विवरण तैयार करते हैं। अब दूसरा जो बताया मैंने तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा, तो तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा क्या है, दो या दो से अधिक तिथियों को प्रकट होने वाले संपत्ति और दायित्व की स्थिति को यह दिखाता है, साथ ही इसमें होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान भी ये कराता है। इस प्रकार से एक विवरण से एक कंपनी की आर्थिक स्थिति में होने वाले वास्तविक परिवर्तन एवं परिवर्तन के प्रतिशतों का पता लगाया जाता है। तो आर्थिक चिट्ठा क्या है, ये जो है विभिन्न अलग अलग दो तिथियों में कंपनी की जो संपत्ति और दायित्व की स्थिति किस प्रकार की है ये जानने के लिए हम तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा को तैयार करते हैं। तो ये हमें क्या बताता है, इनमें होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान कराता है, साथ ही कंपनी की आर्थिक स्थिति में होने वाले जो वास्तविक परिवर्तन है और जो परिवर्तन का प्रतिशत है उनका पता लगाया जाता है। तो यहाँ हम चिट्ठे को देखते हैं, तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा, समतांश पूंजी दी है 25 लाख, 18 में 25 लाख, स्थायी संपत्ति
ये दी है 30 लाख और 36 लाख, संचय आधिक 10 लाख और 11 लाख, विनियोग दिया है 10 लाख, ये बराबर, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। फिर दीर्घकालीन ऋण जो है 15 लाख, 15 लाख यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं है। फिर चालू संपत्ति 15 लाख, यहाँ पर जो है परिवर्तन है 10,50,000। चालू दायित्व जो है 5 लाख और ये 5,50,000। अब हम इसमें भी वही प्रक्रिया को अडॉप्ट करेंगे। यहाँ पर जो है 17 के आंकड़े दिए हैं और जो 18 के आंकड़े दिए हुए हैं, इनसे जो है हम वास्तविक जो अंतर है, डिफरेंस जो है, वो परिवर्तन है, वो हम निकालेंगे। तो अगले स्लाइड में हम यहाँ देखते हैं हल 31 मार्च 2017-18 में, पर्टिकुलर जो है ये प्रीवियस ईयर के 2017 के और 2018 के। तो जो शेयर कैपिटल जो दी थी 25 लाख, अंश पूंजी 25 लाख की थी, ये भी 18 में 25 की थी, तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है, ये नील, ये नील। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में जो है 10 लाख और 11 लाख थे, तो एब्सोल्यूट चेंज जो है वो 1 लाख का है। तो यहाँ भी 1 लाख बटे 10 लाख इंटू 100 तो इक्वल टू आ गया ये 10%। फिर इसी तरह से शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलाटमेंट, ये नील है, ये भी नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ये भी नील है। इसमें लॉन्ग टर्म ब्रोइंग ये 15 लाख, दीर्घकालीन ऋण जो है वो 15 लाख के हैं, यथावत थे, तो यहाँ भी कोई स्थिति नहीं है, तो ये भी नील हो गया। फिर करंट लाइबिलिटीज, चालू दायित्व 5 लाख के हैं और अब ये बढ़ के 5,50,000 हो गई, तो यहाँ डिफरेंस जो है वो कितने का है, 50,000 का। तो यहाँ भी हमने अंतर निकाला, तो 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 5 लाख, तो ये आए 10%, ये 10%। तो यहाँ पर जो है हमने लाइबिलिटीज दायित्वों को देखा कि दायित्वों में जो परिवर्तन है वो अलग अलग है। अब इनका जो हमने डिफरेंस अंतर निकाला यहाँ पर, तो ये 55,000 रुपए और इसका जो टोटल आया ये 56,50,000 रुपये। तो यहाँ पर जो है डिफरेंस जो है एब्सोल्यूट चेंज 1,50,000 बटे ये आ जाएगा प्रीवियस ईयर का आंकड़े 55 लाख इंटू 100, तो ये इसका परसेंटेज जो निकला 2.72%, ये 2.72%। अब यहां पर हम संपत्तियों को देखते हैं, संपत्तियों को, संपत्तियों में नॉन करंट असेट्स में फिक्स्ड असेट्स के अंतर्गत जो है टेंगेबल असेट्स जो है 30 लाख की और 36 लाख की, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो है 6 लाख का। तो यहाँ भी हम जब निकालेंगे तो एब्सोल्यूट जो चेंज है वो 6 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 30 लाख, तो ये आएगा यहाँ पर 20%। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये जो 10 लाख इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, तो ये नील। इसके बाद करंट असेट्स 15 लाख और ये 18 के हैं 10,50,000, तो यहाँ जो है परसेंटेज जो निकल रहा है वो 30%। अब यहाँ पर दोनों को हमने लाइबिलिटीज असेट्स को जो है हमने योग किया, तो यह आया कितना 55 लाख और 18 का आया 56,50,000। तो यहाँ हमने डिफरेंस निकाला तो 1,50,000 रुपये, तो 1,50,000 डिवाइड बाई, गत वर्ष के आंकड़े कितने हैं 55 लाख के हैं, 55 लाख इंटू 100, तो ये परसेंटेज आएगा यहाँ पर बराबर 2.72%। तो ये आया जो परसेंटेज यहाँ पर 2.72%। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि संपत्तियों दायित्वों में 2.72% का चेंज है और दायित्वों में भी 2.72% का चेंज है।
तो ये जो है आर्थिक तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा, इससे जुड़ी हुई अभ्यास प्रश्न है। नंबर एक, तुलनात्मक आय का विवरण या लाभ हानि विवरण से क्या आशय है, इसे कैसे ज्ञात किया जाता है। दूसरा, तुलनात्मक आय विवरण विश्लेषण बनाने की विधि को समझाइए। तीसरा, तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठे से क्या आशय है इसको बताइए। और अंतिम जो है, तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा बनाने की विधि को समझाइए।